आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे। उसके लिए लिया है हमने ये गूंदा हुआ आटा, जिसे हमने एक कप आटे में थोड़ा सा नमक डाल के लगा लिया है। दो कटे हुए प्याज, आधा कप बेसन, आधा कप धनिया पत्ता, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच लहसुन, अदरक और मिर्च क्रश किया हुआ, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। आटा हमने गूंद के रख दिया है। एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा ले, उसमें दो चम्मच सरसों का तेल डालें, तेल को गरम होने दे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें थोड़ा हींग, जीरा, जीरा का कलर चेंज होने दे, अदरक मिर्च और लहसुन डालें, थोड़ा चलाएं, अजवाइन डालें, मिक्स करें, बेसन डाल दें, थोड़ा भूने, गैस को धीमी आंच पे रहने दें। बेसन को चलाते रहें, बेसन का कलर चेंज होने दें। बेसन हमारा हो चुका है, ये देखिए, अब इसमें ये प्याज डाल दें। हमने दो बड़े प्याज लिए थे जिन्हें हमने काट लिया है। प्याज को इसी में थोड़ा भून लें। 5 मिनट तक इसे चलाते रहें, प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक चलाएं। प्याज में अब ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर ले। प्याज अभी सॉफ्ट हुए नहीं है, इन्हें होने देते हैं। प्याज में नमक भी डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स करें। प्याज हो चुके हैं, अब इसमें ये हरा धनिया डाल दें, गरम मसाला, अमचूर पाउडर भी डाल दें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आपको अगर मीठा पसंद हो तो इसमें आधी चम्मच चीनी डाल सकते हैं। मसाला रेडी है, अब गैस को बंद कर दे, इसे ठंडा होने दे। ये राजस्थानी स्टाइल का मसाला है। प्याज का मसाला रेडी है और आटे की लोई तोड़ ली है हमने। लोई में सूखा आटा लगा के इसे अच्छे से बेल ले। अब इसमें ये प्याज का मसाला डालें। इनके साइड से ऐसे इसको पैक कर ले।
वापस से सूखा आटा लगा के इसे बेले, पराठा बिल चुका है देखिए। एक साइड में हमने तवा गरम करने के लिए चढ़ा दिया था, इसमें ये रोटी डाल दे, रोटी का एक साइड सिक जाए तो इसे पलट दे। पराठा का एक साइड सिक चुका है, अब इसे हम पलट दे के ऊपर घी लगाएं, गैस को धीमा कर दे, इसे फिर से पलट दे, इसे धीमी आंच पे लाल लाल सेके। इस तरह से पराठे को सेक ले। पराठा हो चुका है, अब इसे निकाल दे, ऐसे ही सारे पराठे सेक ले। इन पराठों को गर्मा गर्म दही के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही स्वाद लगता है।